हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी SSSC में जो इंटरव्यू चल रहा है सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का, जो कि 10 अक्टूबर को पूछे गए हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस स्वरूप से बनती है? तो यहाँ देखिए है, इसका आंसर जो होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस रूप से बनती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से बनती है। इसके बाद देखिए, भारत का प्रथम कौन सा वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया है? भारत में प्रथम कौन सा वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो है IFCI जो है, ये भारत का प्रथम वित्तीय संस्थान स्थापित किया। ये सब कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा अनुमोदित किया गया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, ये व्हाट्सएप नंबर है। और आइए चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी कौन है उनके बारे में बताना है, उनका नाम बताना है। KK वेणुगोपाल है महान्यायवादी। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, ये देखिए कई बार पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इस बार इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम बताओ? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम है मेनका संजय गांधी। और आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि जो JA का मैंने इंटरव्यू का बनाया है जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे इस इंटरव्यू में मैच कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार कम से कम वो सारे वीडियो जरूर देख लेंगे कि ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। और देखिए, ये पूछा गया है रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री कौन है ये भी पूछा गया है, फिर से इसमें पूछ दिया गया है, दोहराया गया है। और इस हालांकि जानते होंगे आप लोग, निर्मला सीतारमन है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, गीगोपद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित होता है? तो गीगोपद जो है वो कंप्यूटर की शुद्धता से संबंधित होता है। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो कितने सदस्य हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? वो है 50। और इसके बाद देखिए, किस नदी पर टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? भागीरथी नदी पर स्थित है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया क्वेश्चन जो है, 512 का घनमूल कितना होगा? 512 का घनमूल 8 होगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, इलाहाबाद है जो कि 12 सीटें हैं वहाँ पर। इसके बाद एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, ऋण पत्रों के भुगतान पर दिया जाने वाला प्रीमियम क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। इसके बाद, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला है जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। और अगला चलिए देखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही था और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए इन सब वीडियो का जो भी इंटरव्यू हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर सिर्फ PDF के लिए ही आप लोग बात करिएगा और उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, क्योंकि बेल के आइकन पर क्लिक करने से आपको एक फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।